विश्व मानचित्र पर भारत हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है। फिर चाहे औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए या कॉरपोरेट सेक्टर में, भारत में अलग अलग देशों के द्वारा निवेश करने की बात हो, भारत ने औद्योगिक क्षेत्र के कोविड काल में अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखते हुए यह उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है कि भारत और भारतवासी किसी भी विपरीत परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए विश्व पटल पर भारत को एक बड़े भाई यानी कि बिग ब्रदर की भूमिका में देखा और माना जा रहा है। यह निष्कर्ष ग्वालियर में प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च ग्वालियर में 11 और 12 फरवरी को आयोजित होने वाली 14वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले निकाला जा रहा है, जिसका विषय इंडस्ट्री 4.0 ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशन एंड शॉपिंग द फ्यूचर ऑफ बिजनेस है, जिसका आयोजन AICT के सहयोग से किया जा रहा है। देखिए, जैसा मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, ये कॉन्फ्रेंस जो है ये इंडस्ट्री 4.0 और उसके मैनेजमेंट इम्प्लीकेशंस की तरफ फोकस्ड है, और यह हमारी 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। हम 14 साल से कंटिन्यूसली से कर रहे हैं, ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है, हमें 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और हमारे पास सब कॉन्टिनेंट से बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से मुख्यतः लोग फिज़िकल फॉर्मेट में हमें ज्वाइन करेंगे। साउथ अफ्रीका, USA और भी कई देशों से लोग हमारे को हाइब्रिड फॉर्म में इसमें ज्वाइन करेंगे। इंडिया में उसको कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें शामिल हो रहे हैं इंडिया से, और कौन कौन मुख्य? देखिए, 250 से करीब लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया से इसमें पार्टिसिपेशन है। कोई एक स्टेट का नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और इसके अलावा मुख्य अतिथि, मैंने आपको बताया कि हमारे इनॉग्रल के अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से हमारे मुख्य अतिथि होंगे, ये सीनियर एकेडमिशियंस हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री से JM फाइनेंशियल के चीफ बिजनेस ऑफिसर हमें ज्वाइन करेंगे, और JP मॉर्गन एंड स्टैनली के पूर्व एनालिस्ट हमें USA से ज्वाइन करेंगे। सर, 4.0 क्या है? सर, ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये एक इंटरनेट का समावेश है, एक फास्ट मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो कनेक्ट करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज से, वो इंडस्ट्री 4.0 कहला रहा है। अब आपको जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दिखेंगे उनमें लेबर से ज़्यादा रोबोट दिखेंगे। जिन चीज़ों की अब हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हो सकता है हाथों हाथ प्रोड्यूस कर दिए जाएं। ये इनोवेशन है, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है एक तरीके का।